आई होप ये आप अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगा कि मेरा लास्ट वर्किंग डे कैसा रहा कंपनी के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने सीमेंस हेल्थ इंजीनियर से रिज़ाइन दिया था 3 मंथ बिफोर। सो आज मेरा लास्ट वर्किंग डे है, तो मैं आज लास्ट वर्किंग डे में क्या कुछ मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो फ्रॉम द मॉर्निंग आई एम गेटिंग द एन नंबर ऑफ कॉल्स फ्रॉम द लाइक वट एवर द शेड्यूल इज़ गोइंग ऑन फॉर द एग्जिट फॉर्मेलिटी एंड ऑल। सो जहाँ पर मेरे को काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने थे, क्योंकि आपको पता है कि आजकल वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो वी नीड टू सबमिट द एसेट्स, इन द एसेट्स द लैपटॉप हेडफोन वट एवर यू आर सीइंग इन टू द वीडियो दैट हेडफोन इज ऑल्सो द कंपनी एसेट्स दैट आई एम यूजिंग। सो दैट इज़ वेरी गुड जर्नी एज ऑफ नाउ। और आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पर करीबन 5:15 का टाइम हुआ है, तो और मैं कंटिन्यू अभी कॉल पे ही था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी खाना भी मैं यहीं पर ही खा रहा था, क्योंकि आज सारा दिन का खाना यहीं पर ही हुआ है मेरा। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की एग्जिट फॉर्मेलिटी यानी कि करनी पड़ती है। तो लेट्स अगेन, आप जानते हो कि एग्जिट फॉर्मेलिटी थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी होता है, हर कंपनी में ही ऐसा होता है, बट हर कंपनी के प्रोसेस कुछ अलग होते हैं। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो वर्चुअल पे है, तो वर्चुअल थोड़ा सा फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। तो किस तरह से हुआ, तो सबसे पहले यानी कि जो भी एसेट्स हमारे पास होते हैं तो उन एसेट्स की एक टिकट रेज करनी पड़ती है, जिस टिकट को वो लोग अपने पास कंसीडर करते हैं कि जब भी ये लैपटॉप और कोई भी एसेसरी जो कंपनी ने एम्प्लॉय को दी है वो जब भी रिसीव हुए तो उसको उस टिकट को वो क्लोज कर देते हैं, और जब तक वो नहीं मिलती तब तक वो आप लोगों को एग्जिट फॉर्मेलिटी के जो भी जो आपकी सैलरी होती है, जो भी आपका रिलीविंग लेटर होता है वो होल्ड पे चला जाता है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हो विद इन 15 डेज दे विल प्रोवाइड द योर सर्टिफिकेट एवरीथिंग। सो कमिंग ऑन टू द अदर पार्ट, लाइक सबसे पहले आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें कि आपके रिपोर्टिंग मैनेजर का और आपके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, वो सिग्नेचर करने के बाद आपको एक पोर्टल इनका होता है उसके ऊपर अपलोड करना होता है। उसके अलावा एक आईटी क्लियरेंस का होता है जहाँ पर जो आपके एसेट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका लैपटॉप का सीरियल नंबर एंड ऑल, आपको सीरियल नंबर डालना होता है और वो आपको गेट हो जाता है उसकी पूरी डिटेल। उसके लिए आपको एक टिकट रेज करनी पड़ती है, तो वो टिकट रेज होने पे वो एसेट आपके नाम से किसी और थर्ड पर्सन में भी आपके रिपोर्टिंग मैनेजर या फिर कोई और भी मेंबर के नाम पे चला जाता है। उसके बाद यू विल नॉट नो मोर मेंबर ऑफ दैट लैपटॉप। उसके बाद उस टिकट का अप्रूवल होने के बाद आपको एक फॉर्म होता है एग्जिट फॉर्म। सो ये एग्जिट फॉर्म के अंदर आपका होता है कि आपने जो भी काम किया इस कंपनी के अंदर, उसके जो भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया या जो भी काम किया है उसको आप कहीं भी एक्सपोज नहीं करोगे आउटसाइड ऑफ दिस कंपनी। तो ये आपका एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ, और वैसे भी ये गुड थिंग है क्योंकि आपने कुछ जो भी कुछ किया वो आपने इस कंपनी के लिए किया है और कंपनी ने उसके लिए पे किया है, तो आपको वो चीज़ बाहर एक्सपोज नहीं करनी है। तो ये वाली चीज़ आज मेरे साथ हुई है। उसके बाद हमने यानी कि कपल्स ऑफ कॉल हुई, जैसे कि मैंने 2 टीम में काम किया, जो कि मैंने 2.5 ईयर वर्क किया था कोनार्क टीम में। सो मेरे सभी कलीग्स वहाँ पर उन्होंने एक वर्चुअल फेयरवेल ऑर्गेनाइज़ की, जहाँ पर उन्होंने जो भी कुछ गुड मेमोरीज थी जो हमारे बीच में क्रिएट हुई थी और जो भी हमने गुड वर्क किया था इस टाइम स्पेंड के अंदर, तो हमने वो चीज़ आपस में डिस्कस की, और डिस्कस करने के बाद हमारे फनी मोमेंट्स और कोई भी जो हमने मजे मस्ती की थी वो उन सभी पलों को याद किया। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा फीडबैक भी दिया और कुछ इम्प्रूवमेंट पॉइंट भी बताए जिसको मैं कंसिडर करूँगा और आगे के आने वाले टाइम में अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी करूँगा। और उसके अलावा फिर मैंने अपनी दूसरी टीम जो कि बादामी टीम, जिसमें मैंने करीबन 3 मंथ ही काम किया था इन नोटिस पीरियड, सो उन्होंने भी गुड फीडबैक दिया और गुड बॉन्डिंग थी हमारे वहाँ पर। और जो कि वहाँ जो बादामी टीम है वो बेसिकली फ्रेशर उसके अंदर ज़्यादा है, तो वो उन फ्रेशर को आप फ्रेशर एक तरह से टैग दे सकते हो, लेकिन वो वर्क वाइज आप किसी भी एक्सपीरियंस होल्डर से कम नहीं है। आई एम वेरी इंप्रेस वेयर हाउ दे आर वर्किंग एंड ऑल। सो दैट्स द ओवरऑल थिंग्स, एंड आफ्टर दैट सो मैनी कपल ऑफ call happened with the manager individual level also, so they also giving the positive things and also told me like if you need any of the support and all, so you just let me know, I will definitely be there, and if you want to come back so you can also welcome into this organization again. So I'm very happy to the treatment whatever they are giving to the people who are going outside the organization, and yeah, so this is also the surprising for them also why I'm going and all, and it is also surprising for me also. But overall, it's a good experience because we are always trying to finish the things into the good notes. So that is happened. So
that's the overall journey. So thank you so much, thank you for this one and giving the support. And I got the some of the gift also from my both the teams, so I'm very thankful for this one, and it's very memorable time for me, so I will be carry on for this one. Finally, the time came where I need to delete the drive data, so I'm just right clicking onto this one and click onto the format. So finally data is clean there. So sir, finally लैपटॉप को बंद करने का टाइम आ गया. सो मैं अपना अकाउंट लॉग आउट कर रहा हूँ. हियर यू कैन सी साइन आउट. लॉग आउट, क्लोजिंग द मेल ऑल्सो, इट इज साइन आउट इज डन. And it's time to shut down this laptop. Thank you so much for being a part of this company for 3 years. Bye. So it's hard to say goodbye to Siemens because I learned so many things from there in the short span. So thank you so much for giving me the opportunity to work here and know the culture and know the things which I not aware, but now I'm aware with the help of Siemens and the good culture. Thank you so much. I have no word to say anything about this company. It's a so much activity I done here, so many things I done here, and now I know the real meaning of good place of work. Thank you so much. Thanks Simon for giving me the wonderful opportunity. Bye.